सब्जेक्टिव शीट नंबर 58 में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टॉपिक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये, तो ये क्या गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाय डीएक्स, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, तो क्या निकालना है, डीवी बाय डीएक्स, तो इनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तो क्या है? ना, ग्रेडियंट में हमेशा डिस्टेंस डिवाइड होता है, रेट में, रेट के अंदर टाइम डिवाइड होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, ग्रेडियंट में डिस्टेंस आएगा, क्लियर है? तो जो हमने फॉर्मूला किया था ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, उसके अंदर ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें, एक मेटल की प्लेट है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस है आर, ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल, ऑयल के ऊपर 2 mm थिक, तो यहाँ पर ऑयल है, ये जो ऑयल है ये 2 mm थिक है, इसका मतलब dx की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 mm गिवन है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक हो गया। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी 15.5 पॉइस है, पॉइस किसके यूनिट्स हैं, cgs यूनिट हैं, आपको बताना है कितनी फोर्स चाहिए ताकि इस प्लेट को मूव करवाया जा सके विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है। अब जब ये प्लेट को मूव करवाएंगे, तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब ये प्लेट मूव करेगी तो ऑयल की यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, लोअर पॉइंट की 0, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी, तो dv की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv क्या आएगा, 5 - 0 यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv आ गया, आपको क्या निकालना है, आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या डेवलप होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो यहाँ पर ड्रैग या फ्रिक्शन की फोर्स होगी उसका फॉर्मूला माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स है, पर जो आप फोर्स लगाएंगे वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन के ऑपोजिट लगाएंगे, फ्रिक्शन के ऑपोजिट बराबर फोर्स लगाएंगे ताकि नेट फोर्स क्या रहे, 0, और वेलोसिटी क्या आए, कांस्टेंट। तो ईटा पता है, एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एरिया, तो डीवी पता है और डीएक्स पता है, सॉल्व करके फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है यहाँ तक, और बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करके नेक्स्ट टाइम लेके आने हैं।